हे फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पायरीला पॉपिसला आल्सो कॉल्ड शुगर केन लीव हॉपर। तो जो पायरीला पोपिसला है ये एक ऐसा पेस्ट है जो कि गन्ने की खेती को खराब करता है यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन। ये जो इंसेक्ट है इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा ऑर्डर हैमिपटेरा फैमिली फलगोरीडे जीनस पायरीला स्पीशीज़ पॉप्यूसीला तो जो पायरीला पॉप्यूसीला है इसको शुगर केन लीफ होपो भी कहा जाता है इसके पास ऑर्डर है हेमिप्टेरा और हेमिप्टेरा की कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स होती हैं तो ऑर्डर हेमिप्टेरा के अंदर जितने भी इंसेक्ट आते हैं दे आर ट्रू बग्स वो सारे के सारे ट्रू बग्स होते हैं इसके अलावा जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हेमिप्टेरा के अंदर आते हैं उनके पास दो तरीके के माउथ हो सकते हैं या तो इंसेक्ट के पास पियर्सिंग माउथ है या सकिंग टाइप ऑफ माउथ है तो दो तरीके के माउथ पार्ट हो सकते हैं यहाँ पे जो पायरीला पोप्यूसीला हम पढ़ रहे हैं इसके पास सकिंग टाइप ऑफ माउथ प्रेजेंट होता है नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिप्टेरा इज कि जो बग है जो पायरिला पॉपिसला इंसेक्ट है इसकी बॉडी जो है वो एडल्ट की कवर होती है पूरे के पूरे विंग्स के साथ सो बॉडी इज़ कवर्ड बाय विंग्स विच डोंट हेल्प टू फ्लाई तो जो विंग्स होते हैं ये फ्लाई करने में बिल्कुल भी काम नहीं आते ये उड़ने में काम नहीं आते तो जो इंसेक्ट है वो कभी भी उड़ता नहीं है ये जंप करता है या हम कह सकते हैं कि होप करता है फ्रॉम वन लीफ ऑफ शुगर केन टू अनदर लीफ ऑफ शुगर केन तो इसी कारण से इसको लीफ होपर कह कहा जाता है एंड द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इस ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस ये जो इंसेक्ट है ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस शो करता है इसका मतलब ये है कि निम्फ से एडल्ट में चेंज होने के लिए ये टाइम लेता है और ये स्टेप्स में कंप्लीट करता है मेटामॉर्फोसिस को सो दीज आर दैरक्ट्रिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्डर हेमिप्टेरा दे आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू बग्स दे शो ग्रेजुअल मेटामॉर्फिस दे हैव बाई द पियर्सिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ एंड द बॉडी इज कवर्ड बाय विंग्स विच डोंट हेल्प टू फ्लाई एंड दे जम्प और दे होप नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कि ये जो इंसेक्ट है पारीला पोपिसला ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है Toius, तो ये जो पैरिला पॉपिसला इंसेक्ट है ये जहाँ जहाँ गन्ने की खेती होती है यानी कि पूरे इंडिया में पैरिला पोपिसला की प्रेजेंस पाई जाती है ये जहाँ जहाँ गन्ने की खेती होगी वहीं पे ये पेस्ट प्रेजेंट होगा और ज़्यादातर ये यूपी एमपी महाराष्ट्र में देखा जाता है ये जो इंसेक्ट है ये शुगर के जो खेती होती है गन्ने होते हैं उनके उनके ऊपर हो उनके लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और हमें जो है ये सुबह और शाम को सबसे ज़्यादा दिखता है uh, और ये जंप कर रहा होता है क्योंकि ये फ्लाई नहीं कर सकता वी नो दे दे कॉन्ट फ्लाई देर देयर विंग्स जस्ट हेल्प टू कवर द बॉडी सो द इंसेक्ट यूजली फाउंड होपिंग ऑन द लीव्स ऑफ शुगर केन इन द मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स सुबह और शाम के वक्त विद द हेल्प ऑफ एनल टफ्ट तो यानी कि ये इंसेक्ट जो है ये एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर शुगर केन के इनके करता हुआ नजर आता है सुबह और शाम को और ये जंप करता है एनल टफ्ट की मदद से इट जम्प्स विद द हेल्प ऑफ एनल टफ्ट और इसीलिए इसको लीव होपर कहा जाता है अब एनल टफ्ट होता क्या है तो इफ सी द डायग्राम दिस इज द डायग्राम ऑफ पायरिला पॉपिसला एज एन एडल्ट तो एक एडल्ट पायला पॉपिसला है ये हम देख सकते हैं कि इसके विंग्स हैं जिसने इसकी बॉडी को पूरा कवर करके रखा हुआ है इन्हीं विंग्स के अगर हम नीचे देखेंगे तो विंग्स के अंदर छुपे हुए होते हैं एक पेयर ऑफ एनल प्रोसेस या एनल टफ्ट जो कि इसमें दिखते नहीं हैं एडल्ट फॉर्म ऑफ पैरिला पॉप्यूसीला में एनल प्रोसेस या एनल टफ्ट नहीं दिखते क्योंकि ये विंग्स के साथ कवर हो जाते हैं लेकिन हम एनल प्रोसेस देख सकते हैं इन इट्स इमेच्योर फॉर्म विच इज़ निम्फ़ तो यानी कि एडल्ट में हमें एनल प्रोसेसिस ढक जाते हैं विंग्स से लेकिन hmm. निम्फ में निम्फ में हम जो है एनल प्रोसेस देख सकते हैं सो दिस इज़ निम्फ़ ऑफ पायरि पॉपिसला ये पारिला पॉपिसला का निम्फ है इसमें हम देख सकते हैं देयर इज़ ए पेयर ऑफ एनल प्रोसेसिस एंड दिस एनल प्रोसेस दे हेल्प डेम टू होप और जम्प फ्रॉम वन के वन लीफ ऑफ शुगर केन टू एन अदर लीफ ऑफ शुगर केन तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जम्प करने के लिए काम आते हैं ये एनल प्रोसेस जो कि निम्फ और एडल्ट दोनों के पास होते हैं पर निम्फ में हम इसको आराम से देख सकते हैं दे हैव लॉन्ग फी द्री एनअल प्रोसेस इन केस ऑफ निम्फ एंड दे हेल्प डेम टू होप और जम्प एंड्स वाई वी सी दम एज शुगर केन लीफ होप राइट तो इसीलिए इनको लीफ होप कहा जाता है नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज़ the लाइफ साइकिल ऑफ पैरिला पॉप्यूसीला तो अब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे लाइफ साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसकी morphology कैसी है इंसेक्ट की complete है कि incomplete है और किस तरह से ये लाइफ साइकिल होती है ये हम पढ़ेंगे तो जो लाइफ साइकिल है पैरिल पॉप्यूसीला की ये होती है इनकम्प्लीट और हेमी मेटाबोलिस टाइप सो लाइफ साइकिल ऑफ पैरिला पॉपिसला इज इनकम्प्लीट और हेमी मेटाबोलिस टाइप अब इनकम्प्लीट इसीलिए है बिकॉज इट हैज़ थ्री स्टेज ऑफ मेटामोर्फोसिस। तो मेटामोर्फोसिस के लिए इसके पास कितनी स्टेज हैं तीन इट हैज़ थ्री स्टेज ऑफ मेटामोर्फोसिस। और वो क्या क्या है वो है एग निम्फ एंड एड तो इसके पास सिर्फ तीन स्टेज uh, होती हैं मेटामोफोसिस की इसीलिए इसको इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल या हेमी मेटाबोलिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहा जाता है अब जो इनकम्प्लीट और कम्प्लीट में क्या डिफरेंस होता है इनकम्प्लीट में हमने देख लिया कि देर आर थ्री स्टेजेस इन मेटामोरफोसिस विच इज़ एग निम्फ एंड एडल्ट एंड इन केस ऑफ कम्प्लीट मेटामोरफोसिस देर आर फोर स्टेजेस ऑफ मेटामोरफोसिस वहाँ पे फोर स्टेजेस होती हैं जो कि होती हैं एग लार्वा एडल्ट तो वो चार स्टेजेस होती हैं कंप्लीट में लेकिन पारिला पॉप्यूसीला के पास है थ्री स्टेजेस ऑफ मेटामोर्फोसिस, विच इज एग निम्फ एन एडल्ट एंड दैट्स इट इज कंसिडर्ड टू बी एज इनकम्प्लीट और हेमी मेटाबोलिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल सो द लाइफ साइकिल ऑफ पारीला पॉप्यूसीला इज इनकम्प्लीट ना द नेक्स्ट थिंग इज कि पारीला पॉप्यूसीला जो है वो ब्रीड करता है थ्रू आउट द ईयर पूरे साल ये ब्रीड करता है और माइग्रेट करता है एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप पर फॉर फ्रेश फूड तो फ्रेश खाने के लिए लीव्स जो है लीव्स को फ्रेश लीव्स को अटैक करता है ये फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप एंड इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर पूरा साल ये ब्रीडिंग करता है अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को यहाँ पे देखें सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द लाइफ साइकिल ऑफ पैरिला पॉपिसला सो दिस होल डायग्राम रिप्रेजेंट्स दी लाइफ साइकिल ऑफ पैरिला विच इज इनकम्प्लीट वी कैन सी दीज आर एग्स दिस इज निम्फ एंड दिस इज एडल्ट सो एग निफ़ एंड एडल्ट ये आते हैं इसकी पूरी के पूरे लाइफ साइकिल में और इसलिए ये इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल है क्योंकि इसकी मेटामॉर्फोसिस में यही तीन स्टेजेस मिलते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इट रिप्रजेंट्स द लीव ये एक पत्ता है आ, शुगर केन का जहाँ पर हम एग्स देख सकते हैं ये एग्स हैच हो जाते हैं मतलब कि टूट के बन जाते हैं निम्फ़ तो एग्स में से निकलता है निम्फ़ निम्फ़ होता है इमेच्योर इंसेक्ट ये एक इमेच्योर इंसेक्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है इसकी मॉरफोलॉजी यानी कि ये देखने में अलग होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स एडल्ट तो एडल्ट से अलग होता है और ये इमेच्योर इंसेक्ट होता है तो इसको कहा जाता है निम्फ़ तो एग्स रिलीज़ करते हैं निम्फ़ और निफ धीरे धीरे ग्रेजुअल मेटामोरफोसिस से चेंज होता है इनटू एडल्ट तो दिस इज द एडल्ट पायरिला पॉपिसला तो एक एडल्ट पायरिला पॉपिसला है तो यहां पे हम देखते हैं कि जो निम्फ है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज करता है एडल्ट में एकदम से चेंज नहीं होता है एडल्ट में तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है ऑर्डर हेमिप्टेरा का ये हमने पढ़ा था दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेमेपटेरा दैट इट शोज ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस तो यहां पे हम देख सकते हैं ग्रेजुअल मेटामोर्फोसिस हो रही है पांच बार मोल्टिंग होती है निम्फ की फिर वो जाके चेंज होता है एडल्ट में सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ पारीला पॉपिसला अब लाइफ साइकिल के अंदर थोड़ा सा चेंज है वो चेंज गर्मियों और सर्दियों से लेके आता है गर्मियों में लाइफ साइकिल जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है और सर्दियों में लेट कंप्लीट होता है तो यानी कि जो चेंज है वो ड्यूरेशन का चेंज है टाइमिंग का चेंज है तो सर्दियों में ये लाइफ साइकिल इसी तरह से रहेगा एग निम्फ़ एडल्ट एग निम्फ़ एडल्ट लेकिन गर्मियों में ये जो है टाइम जो है जल्दी कंप्लीट हो जाता है और विंटर्स में ये ज़्यादा टाइम लेता है इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में तो ये चेंजेस आते हैं इन समर्स एंड विंटर्स रेस्ट ऑल द थिंग्स ऑल द प्रोसेस आर सेम तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्स की कि एग्स जो है जब एडल्ट एग्स रिलीज़ करता है तो एग्स का क्या क्या किस तरह से रिलीज़ होते हैं और आगे ये किस तरह से हैच करते हैं और क्या क्या ड्यूरेशंस में चेंज आते हैं तो टॉकिंग अबाउट एग्स, एग्स की बात की जाए तो जो फीमेल लीफ हॉपर है यहाँ पे जो फीमेल लीफ हॉपर है ये एग्स ले करती है क्लस्टर के अंदर ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स इन समर एंड विद इन लीव शीट्स इन विंटर्स तो गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग जगह होती है पत्ते पे वहाँ पे ये अंडे जो है रिलीज होते हैं जैसे कि गर्मियों में रिलीज होते हैं ऑन अंडर सरफेस ऑफ लीव्स लीव्स के निचली सतह पे, आ, पिछली वाली डॉर्सल सरफेस पे जो है अंडर सरफेस ऑफ लीव्स पे समर में एग्स रिलीज होते हैं जबकि विंटर में विद इन द लीव शीत सो ये डिफरेंस आ जाता है समर्स और विंटर्स के साइकिल में कि द फीमेल लीव फॉपर लेज एग्स इन क्लस्टर्स ऑन अंडर सर्फिस ऑफ लीव्स इन समर विच इज़ अप्रैल में एंड विद इन लीव शीट्स इन विंटर विच इज़ अक्टूबर नवंबर यहाँ पर ड्यूरेशन का चेंज आता है uh, यहाँ पर जो है देर आर थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एग्ज विच इज़ रिलीज बाय रिलीज बाय इंसेक्ट एट अ टाइम तो एक बार में तीन से पाँच सौ अंडे तक रिलीज़ कर दिए जाते हैं और ये जो एग्ज़ होते हैं इनकी करेक्ट्रिस्टिक्स ये है कि ये ओवल होते हैं पेल वाइटिश होते हैं और शाइनिंग नेचर के होते हैं सो द एग्स आर ओवल पेल व्हाइटिश एंड शाइनिंग इन नेचर है वी कैन सी द डाइग्राम यहाँ पर जो एग्स हैं ये ओवल हैं पेल वाइटिश होते हैं और शाइनिंग नेचर के एग्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट थिंग इसकी हम देख रहे हैं ये लीफ है और लीफ के ऊपर ये सारे के सारे एग ले किए हुए हैं तो जो एग हैं ये रोज़ में प्रजेंट है दे आर प्रेजेंट इन लॉन्गीट्यूडनल रोज तो इन लॉन्गीट्यूडनल रोज में ये एग्स प्रेजेंट हैं और ये पत्ते के साथ चिपके रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वैक्सी सब्सट्रांस विच इज़ सिक्रेटिड बाई फीमेल्स एनल प्रोसेसिस फीमेल के अंदर जो विंग्स uh, के नीचे जो एनल प्रोसेस है वो सिक्रेट करता है एक वैक्सी सब्सट्रांस जो कि इन एग्स को चिपका के रखता है लॉन्गीट्यूडनल रोज में और लॉन्गीट्यूडनल रोज़ में तीस थर्टी टू फिफ्टी एग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं लॉन्गीट्यूडनल रोज में और ये क्या होते हैं वैक्सी सब्सट्रांस की मदद से चिपके रहते हैं विच इज सिक्रिएटेड बाय फीमेल्स एनल प्रोसेस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट तो पैरासाइट से बचाने के लिए ये जो ग्लू ग्लू वैक्सी सब्सट्रांस है सीक्रेट करता है एनल प्रोसेस ऑफ फीमेल तो फीमेल की एनल प्रोसेस सीक्रेट करती है वैक्सी सब्सट्रांस टू प्रोटेक्ट दी एग्स फ्रॉम पैरासाइट तो पैरासाइट से बचने के लिए वो एनल प्रोसेसिस से एक वैक्सीन सबस्टांस सिक्रेट करती है तो हमें ये पता चल गया कि जो एनल प्रोसेस है उसका दो काम होते हैं एक उसका जंप करवाना या होप करवाना फ्रॉम वन लीफ ऑफ शुगर केन टू अन अदर लीफ ऑफ शुगर केन एंड दी अदर फंक्शन इज टू सिक्रेट ए वैक्सीज सबस्टांस बाय फीमेल एनल प्रोसेसिस टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम पैरासाइट तो अंडों को पैरासाइट से बचाने के लिए एक वैक्सीज सब्सटांस रिलीज करते हैं एनल प्रोसेसिस ऑफ फीमेल लीफ होप तो दिस इज़ अबाउट एग्स कि जो एग्स हैं दे आर अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल रोज एंड थर्टी टू फिफ्टी एग्स आर प्रेजेंट इन अ रो विच इज़ लूड विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन सब्सट्रांसिक्रेटेड बाई फीमेल्स एनल प्रोसेसिस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट तो पैरासाइट से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है एंड द नेक्स्ट थिंग इज की जो एग्स हैं ये हैच करते हैं टू प्रोड्यूस निम्फ तो यहाँ पर वी कैन सी इन द डायग्राम कि जो एग्स हैं वो हैच कर जाते हैं टूट जाते हैं और रिलीज करते हैं निम्फ़ को निम्फ़ इज़ द इमेच्योर फॉर्म ऑफ इंसेक्ट तो इमेच्योर इंसेक्ट रिलीज होता है एग्स से इसको निम्फ़ कहते हैं सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ निम्फ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ निम्फ अब ये निम्फ है ये सर्दियों में और गर्मियों में टाइम लेता है अलग अलग ड्यूरेशन से निकलता है जैसे कि अगर हम समर्स की बात करें तो गर्मियों में आठ से दस दिन लगते हैं एग्स को हैच होने में टू प्रोड्यूस निम्फ़ तो आठ से दस दिनों के अंदर एग्स से रिलीज हो जाता है निम्फ इन केस ऑफ समर लेकिन विंटर्स में टेक्स थ्री टू फोर वीक्स फॉर एग्स टू हैच एंड टू प्रोड्यूस निम्फ तो सर्दियों में ज़्यादा टाइम लग रहा है हैच होने में और गर्मियों में सिर्फ आठ से दस दिन सो इट टेक्स एट टू टेन डेज इन समर एंड थ्री टू फोर वीक्स इन विंटर फॉर हैचिंग एग्स टू प्रोड्यूस निम्फ हेय विकी कि निम्फ़ क्या है निम्स एक इमेच्योर uh, एडल्ट है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है एडल्ट से तो निम्फ़ एमरजेज इन एट टू टेन डेज फ्राम एग्स इन समर एंड थ्री टू फोर वीक्स इन विंटर तीन से चार हफ्ते सर्दियों में और आठ से दस दिन गर्मियों में लगते हैं निम्फ़ को बनने में फ्राम एग एग्स से हैच होकर निकलने में निम्फ़ की अगर करेक्ट्रिस्टिक बताई जाए तो निम्फ एक वन एम एम इंसेक्ट है एक मिलीमीटर mm लंबा इंसेक्ट होता है जो कि पेल ब्राउन कलर का होता है और इसके पास लॉन्ग फीदरी एनल प्रोसेसिस प्रेजेंट होती हैं द निम्फ इज वन एम एम लॉन्ग इंसेक्ट विच इज़ पेल ब्राउन इन कलर एंड दे हैव अ पेयर ऑफ लॉन्ग फीदरी एनल प्रोसेसिस तो इसके पास लॉन्ग फीदरी एनल प्रोसेस होती हैं जो कि इसको जंप करने में काम कर काम आती हैं बिकॉज देर विंग्स आर नॉन फंक्शनल इन नेचर दे कांट हेल्प देम टू फ्लाई एंड दिस इज़ अ फीचर विच वी हैव लर्न इन ऑर्डर हैमिपटेरा अब ये जो निम्फ है इसका काम क्या होता है निम्फ बनने के बाद निम्फ प्रोड्यूस होने के बाद एक से निम्फ शुरू कर देता है सक करना बिकॉज दिस इंसेक्ट हैज़ सकिंग टाइप ऑफ माउथ पायरीला पोपिसला का जो माउथ है वो सकिंग टाइप होता है और जो निम्फ है वो सक करना शुरू कर देता है लीव्स के सेल्स है आपको जो कि गन्ने के पत्ते होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनका जो लिक्विड होता है वो सारा का सारा ये सक करना शुरू कर देता है विद इट सकिंग माउथ एंड इट ग्रोज इन टू एडल्ट तो उसके शक करने से धीरे धीरे ये एडल्ट में चेंज हो जाता है आफ्टर फाइव मोर्ड्स पांच बार मोल्टिंग होती है फिर जाके जो निम्फ है वो एडल्ट में चेंज होता है अब ये मोल्टिंग क्या होती है मोल्टिंग इज शेडिंग दी आउटर लेयर ऑफ द बॉडी तो जब बॉडी की सबसे ऊपरी सतह को शेड कर दिया जाता है निकाल दिया जाता है फॉर दी ग्रोथ ऑफ दी इंसेक्ट तो उस चीज़ को मोल्टिंग कहते हैं यहाँ पे पांच बार मोल्टिंग हुई है विच मीन्स इट शोज़ ग्रेजुअल मेटामॉरफोसिस एंड दिस इज़ दी करेक्ट्रिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्डर हैमिप्टेरा तो ये हेमिप्टेरा ऑर्डर की करेक्टिस्टिक फीचर है कि पाँच बार मोल्टिंग शो करती है अभी मोल्टिंग का टाइम गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग है गर्मियों में जो है पाँच बार नि मोल्ट करने में कितना वक्त लेता है एट वीक्स सो इट टेक्स एट वीक्स इन समर इन ऑर्डर टू मोल्ट फाइव टाइम्स एंड इट टेक्स फाइव टू सिक्स मंथ्स इन विंटर पाँच से छः महीने लगते हैं विंटर्स में और आठ हफ्ते लगते हैं समर में पाँच बार मोल्टिंग करने में निम्फ को एडल्ट में चेंज होने के लिए निम्फ जो है बहुत ही एक्टिव होता है और ये जंप करता है अपने एनल प्रोसेस या एनल टफ्ट की मदद से सो निम्फ्स आर वेरी एक्टिव एंड दे जंप विद हेल्प ऑफ एनल टफ्ट द जंप विद हेल्प ऑफ एनल टफ्ट तो अब हमने देखा कि किस तरह से निफ जो है वो एडल्ट में चेंज हो जाता है आफ्टर फाइव मोल्स नाउ ये जो एडल्ट बना है ये एडल्ट जो है वो समर्स और विंटर्स में इनकी लाइफ ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग होती है एडल्ट जो है गर्मियों में चार से सात हफ्ते तक जीता है जबकि विंटर्स में ये अठारह से बीस हफ्ते तक रहता है सो एडल्ट लिव्स फॉर फोर टू सेवन वीक्स इन समर एंड 18 टू 20 वीक्स इन विंटर अट्ठारह से बीस हफ्ते लेता है एडल्ट विंटर्स में जीने के लिए यानी कि विंटर्स का लाइफ साइकिल बड़ा है और समर्स का लाइफ साइकिल छोटा है सो द एंटायर लाइफ साइकिल टेक्स 65 फाइव डेज इन समर एंड वन सिक्सटी डेज इन विंटर तो पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को कम्प्लीट होने के लिए अलग अलग टाइम लगता है समर्स और विंटर्स में तो लाइफ साइकिल समर और विंटर का थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज है यानी कि टाइम अलग अलग है सर्दियों में ज़्यादा टाइम लेता है और गर्मियों में कम टाइम लेता है ये पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए हमने देखा कि जो निम्स है दे आर वेरी हार्ड ये निम्ब बहुत हार्ड होते हैं एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट तो ये फ्रॉस्ट से भी अफेक्ट नहीं होते काफ़ी हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं एंड दे अटैक ऑन द लीव्स ऑफ शुगर केन एंड देस दे हेल्प दे सक द सैप ऑफ लीव्स तो लीव्स के पत्तों का जितना भी जूस होता है लीव्स का वो सारा का सारा सक करने में ये काम आते हैं अब ये जो पेस्ट है ये जो निम्फ है ये जो एडल्ट हमने देखा दिस इज एडल्ट पायला पॉपिसला तो ये जो पेस्ट है ये ऑफ सीजन में भी जब ऑफ सीजन होता है यानी कि जब गन्ने की खेती नहीं की जाती है उस वक्त भी ये पेस्ट जो है माइग्रेट करता है टू दी अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट, सो इन ऑफ सीजन द पेस्ट माइग्रेट्स टू दी अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट अदर दूसरे बाकी खेतों पे ये अटैक करता है बाकी फसलों पे ये अटैक करता है जब शुगर के नहीं होती और एग्ज़ाम्पल्स हैं यहाँ पे वीट ओट बारले मेज़ तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कुछ प्लांट्स की जहाँ पे ये अटैक करता है अदर देन शुगर केन तो ये ऑफ सीजन में ये माइग्रेट कर जाता है अल्टरनेटिव होस्ट प्लान वीट ओट पार्ले मेज एक्सेट्रा तो ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है नाउ वी हैव सीन दी निम्फ तो हमने नीम्स की करेक्ट्रिस्टिक फीचर देख ली है अब हमें अगली चीज़ देखनी है एडल्ट के बारे में कि जो एडल्ट पैरि पोपिसला है इसकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं और ये कैसे रहता है तो जैसे ही निम्फ चेंज होता है एडल्ट में अब जैसे ही निम्फ चेंज होता है एडल्ट में तो एडल्ट कुछ इस तरह से दिखता है सो so, निम्फ चेंजेस इन टू एडल्ट और एडल्ट और निम्फ में क्या फ़र्क है मेन फ़र्क ये होता है कि ये मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग दिखने में अलग होते हैं और एडल्ट जो है वो सेक्शुअली मैच्योर है एडल्ट रिप्रोड्यूस कर सकता है निम्फ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता राइट सो द एडल्ट लीफ होपर अब ये जो एडल्ट पैरिला पिसीला है या एडल्ट लीफ होपर है ये सॉफ्ट होता है ये सॉफ्ट होता है लाइट ब्राउन कलर का होता है और ये फाइव एम एम लॉन्ग इंसेक्ट है एडल्ट इज़ फाइव एम एम लॉन्ग इंसेक्ट निम्फ इज़ वन एम एम लॉन्ग तो ये फ़र्क होता है इनकी साइज़ का भी फ़र्क होता है एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इट हैज़ अ शार्प फॉरवर्डली डायरेक्टेड शार्प पॉइंटेड बीक ये जो एडल्ट है इट हैज़ फॉरवर्डली डायरेक्टेड शार्प पॉइंटेड बीक, एंड इट हैज़ अ पेयर ऑफ एनल टफ्ट और एनल प्रोसेस जो कि विंग्स के अंदर हाइड हो जाते हैं एंड दे हेल्प देम टू जम्प तो एनल टफ्ट जो है या एनल प्रोसेस इनको जम्प करने में मदद करते हैं दे हैव पेयर ऑफ प्रोमिनेंट रेड आइज तो इनके पास दो जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं दे हैव प्रोमिनेंट रेड आईज ये भी इसका मॉरफोलॉजी में हम ऐड कर सकते हैं कि एडल्ट पैरिला पॉपिसला हैव प्रोमिनेंट रेड आईज दे हैव फॉरवर्डली डायरेक्टेड शार्प पॉइंटेड बीक इट्स पेल ब्राउन इन कलर फाइव एम एम लॉन्ग इंसेक्ट एंड हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स और एक डिफरेंस ये है कि जो फीमेल्स होती हैं फीमेल लीफ हॉपर इज स्लाइटली स्मॉलर देन मेल लीफ हॉपर सो फीमेल्स आर स्लाइटली स्मॉलर देन मेल्स सो ये एडल्ट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम निम्फ एंड निम्फ चेंजेस इन टू एडल्ट आफ्टर फाइव मोल्स और ये एडल्ट जो है एडल्टीली मेच्योर होते हैं जबकि निम्फ सेक्शुअली मेच्योर नहीं होते सो एट ए डीफा पीरियड ऑफ टाइम दे कॉप्यूलेट एंड फीमेल स्टार्ट लिंग एग तो एक डिफा पीरियड पे कॉपीलेट करते हैं और एग रिलीज करना फीमेल स्टार्ट कर देती है और यहाँ फिर से एग रिलीज होते हैं 300 हंड्रेड टू फाइव और ये एग्स रिलीज़ होते हैं क्लस्टर में ऑन द अंडर सर्फिस ऑफ लीव्स इन समर एंड विद इन द लीव शी इन विंटर जो हमने पढ़ लिया है अब एडल्ट को जो है इमेगो भी कहा जा सकता है सो एडल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द इमेगो एंड निम्फ इज कॉल्ड एज द इमेच्योर इंसेक्ट राइट सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पेरीला पॉपिसला तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस होल डायग्राम दिस होल डायग्राम रिप्रेजेंट्स दी लाइफ साइकिल ऑफ पेरिल पोपिसला विच इज इनकम्प्लीट और हैमी मेटाबोलि टाइप ड्यूट द प्रेजेंस ऑफ थ्री स्टेज इन मेटामोर्फोसिस विच इज एग नि्फ एंड एडल्ट राइट नाउ आफ्टर लाइफ साइकिल ऑफ पेरिल पॉपिसीला वट यू नीड टू स्टडी इस वॉट आर दी डैमेज विच इज़ कॉज बाय पारीला पॉपिसला तो ये जो लीफ हॉपर है शुगर केन लीव होपर ये क्या क्या डैमेज करती है क्रॉप को या किस तरह से ये डैमेज करती है तो निम्फ और एडल्ट निम्फ भी और एडल्ट भी दोनों के दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं टू द लीव्स ऑफ शुगर केन बाय सकिंग ऑफ लीव्स क्योंकि जितना भी सेल्स एप है लीफ का ये सक कर लेते हैं

अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है जैसे ही ये सेल्स ऐप को सक करते हैं एडल्ट और निम्फ जैसे ही लीव्स को सक करते हैं तो पत्ते सूख जाते हैं और ये जो हनी ड्यू है इनका काम होता है टू अट्रैक्ट हार्मफुल हार्मफुलनजाई ये जो स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड हनी ड्यू है ये अट्रैक्ट करता है हार्मफुल फनजाई को एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ब्लैक मोल्ड्स तो ये ब्लैक मोल्ड्स जैसी हार्मफुल फनजाई को अट्रैक्ट करता है और ये जो ब्लैक मोल्ड्स फनजाए है ये इंटरफेयर करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के साथ तो यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू दी अटैक ऑफ ब्लैक मोल्ड्स विच गेट अट्रैक्टेड बाय द स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड हनी ड्यू तो हनी ड्यू से अट्रैक्ट हो जाती है ब्लैक मोल्ड्स और ब्लैक मोल्ड्स इंटरफेयर करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के साथ और इसी के इसी के कारण जो शुगर प्रोडक्शन है उसमें क्या आ जाती है रिडक्शन तो शुगर प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसी हनी ड्यू के कारण और ये पूरा का पूरा जो है क्रॉप को डैमेज कर देती है पायरीला पर्प्यूसीला सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो हनी ड्यू है हनी ड्यू इज़ सिक्रेटेड बाय पायरीला प्यूसीला अब अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ये पाया गया कि 35% ऑफ द टोटल शुगर प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय शुगर केन लीफ हॉपर तो 35 प्रतिशत तक की जो शुगर प्रोडक्शन है वो अफेक्ट कर सकता है शुगर केन लीफ हॉपर दैट इज पारीला पोपिसला अब हम आगे पढ़ेंगे इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मैनेजमेंट कि इसको किस तरह से प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है तो सबसे पहले है रेटूनिंग रेटूनिंग शुड बी एवॉयडेड रेटूनिंग का मतलब होता है कि प्लांट को जड़ से नहीं ख़त्म करना अगर जड़ से नहीं काटेंगे तो यानी कि इसको इसकी स्टेम तक काट देंगे यानी कि इसकी नीचे थोड़ी सी स्टेम रहने देंगे और थोड़ा थोड़ा काट देंगे मतलब कि जैसे जिस तरह से गेहूं को काटा जाता है रेटूनिंग की जाती है उस तरीके से कर दिया जाएगा तेरटूनिंग से क्या होता है कि जो इंसेक्ट है वो तब भी प्रेजेंट रहता है ये जो पेस्ट है ये तब भी इस खेत में रहने के इसके आसार हो सकते हैं तो रेटूनिंग नहीं करनी चाहिए रेटूनिंग शुड बी अवॉइडेड प्लांट्स को जो है या शुगर केन को जो है वो गन्ने को जड़ों से ही उखाड़ देना चाहिए तो वन और फर्स्ट मेथड इज़ रेटूनिंग रेटूनिंग अवॉइड करना चाहिए दूसरा है कि नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए थर्ड जो एग मास है जैसे ही एग रिलीज होता है क्योंकि एग्ज विजिबल होते हैं तो एग मास को कलेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए बाय बर्निंग और स्प्रेइंग फिनाइल वाटर या तो अंडों को जला दो या उसके ऊपर स्प्रे कर दो फिनाइल वाटर तो फिनाइल वाटर को स्प्रे करो एग्स के ऊपर और उनको डिस्ट्रॉय कर दो तो लाइफ साइकिल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट है कि हम पैरि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को भी उगा सकते हैं शुगर केन की इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आर शुगर केन फ्रॉम दिस पेस्ट अगला है कि हम एंडोसल्फन या फेनिट्रोथियॉन को स्प्रे करें तो वी कैन स्प्रे एंडोसल्फन और फेनेट्रोथियॉन टू तो प्रोटेक्ट शुगर केन स्प्रे ज़ीरो टू टू परसेंट वेजिटेबल पाउडर ऑफ एग्रोसाइड एट द रेट हंड्रेड टू 150 लीटर पर पर एकर अफेक्टिव अगेंस्ट पेस्ट तो ये जो वेटेबल पाउडर है ग्रोसाइड का ये इतनी मात्रा में स्प्रे किया जा सकता है सौ से डेढ़ सौ लीटर पर एकड़ में जो कि पेस्ट को कंट्रोल करने में या ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकता है नाउ द अदर मेथड इज़ कि हम जो है एक पैन जो है वेव कर सकते हैं जो कि इंसेक्ट बेट सो ब्रिस्कली वेव अ पैन कंटेनिंग इंसेक्ट बेट तो इंसेक्ट बेट जो कंटेन करती है पैन वो हम वेव कर सकते हैं खेतों में ऑन दी ओवर दी अफेक्टेड क्रॉप एंड दिस विल अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट सो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट बेट से इंसेक्ट बेट बनी होती है पाँच पार्ट्स ऑफ क्रूड कैस्टर ऑयल से और एट पार्ट्स ऑफ रेजिंस जो कि जेंटली मिक्स किया जाता है जेंटली हीट करके इसको मिक्स किया जाता है तो ये जो फ़ाइव पार्ट्स ऑफ प्रूट गैस्ट्रोल एट पार्ट्स ऑफ रेजिंगस है इनको मिक्स किया जाता है एक पैन पे जिसको हम इंसेक्ट बेट कहते हैं और ये जो है वेव की जाती है अफेक्टेड क्रॉप पे जिससे कि बहुत सारे इंसेक्ट जो है इसके इससे इसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इससे भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है गन्ने की खेती को फ्रॉम द पेस्ट पारीला पर्पिसला सो दिस सो दिस इज अबाउट द इंसेक्ट पारिला पर्पिसला एंड वी हैव स्टडीड इट्स होल लाइफ साइकिल इट्स सिस्टमेटिक पोजिशन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इट्स हैबिटेट एंड द डैमेज विच इज कॉज बाय पारिला पर्पिसाला एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड्स सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट थैंक यू